ये जो स्टूडेंट आज जो चीज़ हम लोग समझने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि जनाब ये i3 i5 i7 टेक्नोलॉजी है क्या। जब भी आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो जब आपके सामने i3 i5 i7 आता है तो अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि इनमें असल में फ़र्क है क्या और उनके लिए कौन सा PC खरीदना बेहतर है। तो आज हम इसी सिलसिले में i3, i5 और i7 के बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पुराने इस्तेमाल करने वाले वो जानते होंगे कि पहले इंटेल के पेंटियम या सेलरॉन के प्रोसेसर आते थे। उनमें क्या होता था कि उस वक्त या उस ज़माने में जब आपका कंप्यूटर चलता था तो उसके अंदर सिंगल प्रोसेसर लगता था। प्रोसेसर का काम क्या होता है, इसको अगर सादे से अल्फाज में बयान किया जाए कि प्रोसेसर का काम ये होता है कि वो कैलकुलेशन करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम कर रहे होते हैं, चाहे टाइपिंग कर रहे होते हैं, चाहे कोई मूवी देख रहे होते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं आप, तो सारे प्रोसेस जो हैं प्रोसेसर के अंदर होते हैं और वो आपको रिजल्ट बना के देता है। यानी प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब ये दिमाग जितना तेज़ होगा उतना आपको अच्छा काम और जल्दी काम करके देगा और जितना स्लो होगा उतना आपको स्लो काम करके देगा। तो इंटेल पेंटियम ने लास्ट प्रोसेसर बनाया था वो था हमारे पास G3470 और इसके अंदर जो इसकी स्पीड थी काम करने की, जो इसकी सलाहियत थी वो 3.60 GHz थी और इसकी कैशे थी 3 MB। जब प्रोसेसर को देखा जाता है ना तो ये दो चीज़ें देखी जाती हैं कि उसकी स्पीड कितनी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसका कैशे साइज़ कितना है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्पीड जिससे मैंने आपको बताया कि दिमाग कितनी जितनी तेज़ काम करेगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देगा यानी तेज़ी से काम करना, ये इसकी स्पीड है। और कैशे साइज़ क्या है, कैशे साइज़ से मुराद अगर आप देखा जाए तो अगर एक शख्स को एक काम दिया जाए और वो उस काम को करे आपको रिजल्ट दे दे, सही है, फिर दोबारा उसको वो काम दिया जाए वो दोबारा करेगा आपको दोबारा रिजल्ट दे देगा, सही। यानी जितनी मरतबा आप उसको सेम काम देते रहेंगे वो आपको रिजल्ट देता रहेगा। अगर उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि जनाब आप उसको रिपीटेडली वही काम दिए जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस काम को याद रख लेगा तो बार बार उस काम को नहीं करेगा, जब भी आप बोलेंगे आपको वही रिजल्ट उठा के दे देगा। यानी उसके अंदर पुराना रिजल्ट को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद हो, ये उसकी कैशे कहलाती है। एक मजदूर होता है बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छे अच्छे आप उससे ताकत बजरी उठवा लो, ये करवा लो, सारे काम करवा लो उससे, सही है, आपकी नस्बत वो ज़्यादा ताकतवर होता है, आप बोलते हैं बड़ा ताकतवर है, लेकिन उसकी जहनी इस्तेदाद उसकी जहनी सलाहियत कम होती है। अब अगर उसकी जहनी सलाहियत भी थोड़ी बढ़ी जाती है तो मजदूर नहीं रहता बल्कि मिस्त्री या ठेकेदार बन जाता जाके वो, सही। तो इसी तरह क्या ये प्रोसेसर के अंदर है कि जनाब फ्रीक्वेंसी जो है उसकी काम करने की सलाहियत है और कैशे साइज क्या है उसके काम को याद रखने की सलाहियत है कि जनाब आपने ये काम पहले भी किया था। तो बजाय इसके कि आप हर मरतबा जब भी आपको इंस्ट्रक्शन आए वही प्रोसेस बार बार करो, आप इसका रिजल्ट अपने जहन में याद रख लो, जब भी आपको कहा जाए ये काम करने के लिए आप देखो हाँ ये तो वही काम है तो आप वही रिजल्ट उठा के बाहर दे दो। इस तरह क्या होगा, आपको वही काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, इस तरह जो मजदूर होगा जो ये काम कर रहा होगा उसकी सलाहियत में अच्छा सा पड़ेगा क्योंकि उसको हर मरतबा वही काम रिपीट नहीं करना पड़ेगा और उसकी थकावट भी उसकी कम होगी। तो ये इसका कैशे साइज होता है। तो प्रोसेसर जब भी देखा जाता है दो चीज़ों देखा जाता है कि उसके काम करने की सलाहियत, नंबर 2 उसके काम को याद रखने की सलाहियत कितनी है। तो जो लास्ट प्रोसेसर उन्होंने बनाया था उसके अंदर 3 MB की कैशे थी, इतने इतने काम को याद रख सकता था और उसकी सलाहियत थी 3.60 GHz थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। अब यहाँ से जो है i3 i5 की कहानी स्टार्ट हुई है। जब तक तो इंटेल पेंटियम था या सेलरॉन था, सिंगल प्रोसेसर चलता था, सारा काम उसमें आसान होता था। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अब कोई नई जिद्दत लेके आनी, इन्होंने ये किया कि अब एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर लगा के आपको देने शुरू कर दिए। इसे हम कहते हैं डुअल कोर प्रोसेसर, सही। इनके अंदर भी कैशे होती थी, इनके अंदर भी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, ये दो चीज़ इनमें भी देखी जाती है। लेकिन इसके अंदर एडवांटेज क्या है, इसमें अब एक मजदूर के बजाय दो मजदूर लग गए आपके कंप्यूटर के अंदर। आई बात समझ में, जहाँ एक काम को एक शख्स कर रहा था अब एक काम को दो प्रोसेसर मिलके कर रहे हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ,
डुअल कोर जो है पेंटियम से फास्ट हो गया। फिर कोर टू डू आया। कोर टू डू जो है इसमें और डुअल कोर में कोई फर्क नहीं है। कोर टू डू भाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटेल ने जो डुअल कोर बनाया उसका नाम उसने कोर टू डू दे दिया। बाकी एएमडी वाला जो दूसरे कोई दो और जो दूसरे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है उन्होंने डुअल कोर को डुअल कोर ही रहने दिया, जबकि इंटेल ने जो डुअल कोर का प्रोसेसर बनाया उसको उन्होंने कोर टू डू का नाम दे दिया। यानी इसमें और पिछली वाली स्लाइड में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए जहन से ये बात निकाल दें कि कोर टू डू जो है क्या नाम है अपना कम स्पीड वाला है और डुअल कोर जो है ज़्यादा स्पीड वाला, ऐसा कोई कहानी नहीं है। कोर टू डू और डुअल कोर एक ही हैं, बस कोर टू डू जो है इंटेल की प्रोडक्ट का नाम है, जिससे आप लोग क्या नाम है अपना ड्राई मिल्क खरीदने जाते हैं, नीडियो का मिल्क भी मिल रहा है, एवरीडे का मिल्क भी मिल रहा है, अंदर क्या है मिल्क है, मिल्क पाउडर अंदर मौजूद है, लेकिन ब्रांड का नेम डिफरेंट है। तो कोर टू डू जो है इंटेल की ब्रांड है। आगे बढ़े, अब आगे कहानी i3 के ऊपर। i3 के अंदर और पिछले डुअल कोर में फर्क क्या है? i3 जो है ये भी डुअल कोर प्रोसेसर है, सही है, यानी इसके अंदर भी एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, सही। लेकिन इसमें दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। नंबर वन, इसमें हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी जो होती है इज टेक्नोलॉजी यूज बाय सम इंटेल माइक्रो प्रोसेसर दैट अलाउ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर टू एक्ट लाइक टू सेपरेट प्रोसेसर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज दैट यूज इट। ये टेक्नोलॉजी वो कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोसेसर जो है आप ये समझ लें कि अपने अंदर डबल काम करने की सलाहियत पैदा कर लेता है, यानी एक काम दो काम को एक साथ करने की सलाहियत पैदा कर लेता है। तो इससे क्या हो गया कि देखें डुअल प्रोसेसर पहले ही i3 जो था डुअल कोर था, सही है, अब उसमें डबल काम करने की सलाहियत हो गई, तो वर्चुअली दो प्रोसेसर उसमें और ऐड हो गए, यानी एक तरह से फिजिकली इसमें दो प्रोसेसर ही हैं लेकिन इसमें काम करने की सलाहियत इतनी कर दी गई कि अब इसमें एक तरह से आपको लगेगा चार प्रोसेसर ये काम कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। और उसमें इंटरनल कैशे यानी जो उसके काम को याद रखने की सलाहियत थी वो हमने पहले क्या पढ़ा था 2 MB के करीब थी, ये अब कितनी होगी 4 MB के करीब हो गई है, सही, यानी काम याद रखने की सलाहियत भी इसमें बढ़ा दी गई है। तो इससे फ़र्क क्या हुआ? इससे फ़र्क ये हुआ भाई कि आपके प्रोसेसर की एक तरह से दो फिजिकल प्रोसेसर है, दो वर्चुअल प्रोसेसर एक और आ गए और आपके काम करने की सलाहियत भी बढ़ गई, यानी आपके कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई। अब i5 क्या चीज़ है? i5 जो है इसमें ये डुअल प्रोसेसर में भी आता है और क्वाड प्रोसेसर में भी आता है। डुअल प्रोसेसर में दो प्रोसेसर होते हैं, एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर लगे होते हैं, और क्वाड कोर के अंदर का क्या मतलब है कि एक प्रोसेसर के अंदर चार प्रोसेसर लगे हुए हैं, सही, यानी ये दो प्रोसेसर की शक्ल में भी आता है और चार प्रोसेसर वाली शक्ल में भी आता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो i3 से ज़्यादा होती है, यानी जो i3 के प्रोसेसर थे उनके जो काम करने की सलाहियत थी उनसे ज़्यादा इसकी सलाहियत होती है, और कैशे साइज भी इसका बढ़ा दिया गया है, यानी उनके काम याद रखने की सलाहियत उनकी कम थी, इससे काम याद रखने की सलाहियत कितनी है 6 to 8 MB/s है, 6 या 8, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, 6 या 8 MB/s इसके दरमियान में इसकी कोई सलाहियत है, यानी उसकी नस्बत ज़्यादा है बहरहाल। और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी उसमें भी थी i3 के अंदर, इसमें भी है। अब आप ये देखें कि उसमें दो प्रोसेसर फिजिकल थे i3 के अंदर और उनके ऊपर हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी डाली गई थी, सही, तो यानी एक तरह समझ लें वो चार हो गए थे। अब अगर ऑलरेडी यहाँ पे चार हों और उस पर हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी डाल दी है, समझे एक तरह से आठ हो गए, और प्लस इनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, प्लस इनका जो है क्या काम याद रखने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स i5 जो है i3 की नस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और इसमें एक और फीचर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, टर्बो मोड। टर्बो मोड क्या होता है? हाइपर थ्रेडिंग तो मैंने आपको बता दी ना, अच्छा टर्बो मोड क्या होता है? टर्बो मोड में ये होता है कि जब प्रोसेसर के ऊपर एक लोड बढ़ जाता है ना कि जनाब अब ये काम ज़्यादा आ गया है, तो उसके अंदर टर्बो पावर डाल दी जाती है, या समझ उसको एनर्जी ड्रिंक दे दिया जाता है, उससे क्या होता है वो थोड़ा सा अपनी सलाहियत से बढ़ के काम करता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ये भी समझे, ये भी आप ये समझ लें कि काम थोड़ा सा ज़्यादा करवाने का तरीका है, उसको थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक दे दिया, एक एनर्जी का इंजेक्शन लगा दिया उसको ताकि वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो ये टर्बो मोड कहलाता है। तो यानी ये टेक्नोलॉजी भी जो है i5 के अंदर मुतारिफ करवा दी गई। उसके बाद आ गया i7। i7 क्या ये क्वाड कोर प्रोसेसर है,
यानी इसके अंदर चार प्रोसेसर होते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है अब i5 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ गई। कैशे साइज़ जो है 8 MB तक इसका और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। टर्बो मोड इसमें भी मौजूद है, और हाइपर थ्रेडिंग उनमें थी, अब इसमें सुपर हाइपर थ्रेडिंग आ गई। ये समझ लें कि इसमें पावर को डबल करने की और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी इसके अंदर डाल दी गई। तो यानी कि ये i7 जो है i3 i5 से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब क्या चल रहा है, जब i3 भी ख़त्म हो गया, i5 भी ख़त्म हो गया, i7 ख़त्म हो गया, तो भाई अब क्या चल रहा है। अब ये चल रहा है जनाब कि जब पहले i3 i5 i7 आया था ना, उसको हम कहते थे वन फर्स्ट जनरेशन आई है, सही। उसके बाद इन्हीं की सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन के i3 i5 i7 आए, उसके बाद थर्ड जनरेशन के i3 i5 i7 आए। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है सिक्स जनरेशन के i3 i5 i7 चल रहे हैं, उनमें मज़ीद सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिए गए हैं। जितनी भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अब क्या एडिशन की जा रही है, उसमें सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसके अंदर स्पीड बढ़ाई जा रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, उनकी काम करने की सलाहियत बढ़ाई जा रही है। तो इस वक्त जो चल रहे हैं वो सिक्स जनरेशन के i3 i5 और i7 बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। शुक्रिया, उम्मीद है आपको बातें आज की समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अकेडमी डैश कैचआई की वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल एड्रेस लिख के सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि इन फ्यूचर हम जो मज़ीद वीडियो अपलोड करें वो भी आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।